इस पर हम लोग कैंडिडेट दे रहे हैं। माँ बटी मोरू जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, 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 फिल्मन टप्पो जिंदाबाद, जय। और पश्चिम बंगाल से इस बार चाहे सीपीएम हो, कांग्रेस हो और बीजेपी हो, सभी का सूत्रा साफ हो जाएगा। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी के पाकुड़ जिला अध्यक्ष सह झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट मोहम्मद अशरफुल शेख के नेतृत्व में एवं पाकुड़ जिले के सभी प्रखंड व जिला कमेटी के सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति में जिला कार्यालय पाकुड़ में एक आवश्यक बैठक हुई। इस बैठक में सभी पदाधिकारियों ने निर्णय पारित किया कि आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 को मद्देनजर रखते हुए राजमहल लोकसभा क्षेत्र से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी की ओर से उम्मीदवार खड़ा करने का निर्णय लिया गया, क्योंकि पिछले 10 मार्च को पार्टी सुप्रीमो सह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जन गर्जन सभा बिग्रेट मैदान में पश्चिम बंगाल के 42 सीटों पर अपने बलबूते पर सभी लड़ाकू उम्मीदवार को चुनावी मैदान में पार्टी द्वारा घोषित किया है। एडवोकेट ने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2024 के आम चुनाव में पश्चिम बंगाल से कांग्रेस, सीपीआईएम एवं भाजपा आदि पार्टियों का सफाया हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के सभी 42 सीटों पर टीएमसी पार्टी की जीत दर्ज होगी। झारखंड प्रदेश में भी ममता दीदी के नेतृत्व में एवं बंगाल के तर्ज पर राजमहल लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार देने की बात तय हो गई है। अब आला कमान के निर्देश अनुसार बहुत ही जल्द राजमहल लोकसभा क्षेत्र से पार्टी सुप्रीमो एवं पार्टी के युवा लीडर अभिषेक बनर्जी बहुत ही जल्द घोषणा करेंगे। साथ ही इस बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों ने माँ माटी मानूस जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, मलाई घटक जिंदाबाद, फिल्म टप्पो जिंदाबाद, मोहम्मद अशरफुल शेख जिंदाबाद का नारा भी लगाए। सुनिए। 2000 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए आज हम लोग ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी पाकुड़ जिला करजलाई में हमारे बीच साइमन मुर्मू जी, इकबाल भाई और मौलाना करीम जी और हमारे मरैया साहब जितेंद्र जी सभी की उपस्थिति में एक अहम बैठक बुलाई गई है। आज के बैठक में हम लोग पश्चिम बंगाल में ममता दीदी जो कल हमारे तृणमूल पार्टी से मनोनीत कैंडिडेट 42 सीट जो घोषणा किया है और सभी सीटों में सब बेहतर ढंग से पार्टी परफॉर्मेंस करेगी और हमें पूर्ण विश्वास है कि पूरे 42 सीटों में टीएमसी पार्टी विजयी होगी। और पश्चिम बंगाल से इस बार चाहे सीपीएम हो, कांग्रेस हो और बीजेपी हो, सभी का सूत्रा साफ हो जाएगा। दीदी का नेतृत्व में हम लोग यहाँ झारखंड में पश्चिम बंगाल के तर्ज पर राजमहल लोकसभा सीट का हम लोग मांग रखते हैं और दीदी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ इस बार 2024 में चुनाव में हम लोग प्रत्याशी उतारेंगे और बहुत ही जल्द हम लोग निर्णय ले लिए हैं कि यहाँ का जो जनमानस जो है सभी का मांग है कि यहाँ चाहे भाजपा हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे कांग्रेस हो, सबसे आदमी का माइंड उठ चुका है। यहाँ सबका डिमांड है कि ममता दीदी के नेतृत्व में टीएमसी आए और टीएमसी को हम लोग यहाँ बेहतर ढंग से बड़ा रूप से विजय करके हम लोग दिल्ली पार्लियामेंट भेजेंगे ताकि बंगाल का विकास जो है दिख रहा है या हमारा राजमहल लोकसभा केंद्र का तभी विकास होगा जब टीएमसी पार्टी सत्ता पर यहाँ आएगी। तो निश्चित तौर पर जनमानस को देखते हुए हम लोग अहम निर्णय लिए कि यहाँ राजमहल लोकसभा क्षेत्र से बहुत ही बेहतर लीडर बहुत ही जल्द हम लोग कुछ दिनों के अंदर हम लोग जनहित में घोषणा कर देंगे। इसकी पूरी जानकारी हम लोग प्रदेश कार्यालय रांची एवं केंद्रीय कार्यालय कलकत्ता हमारा नेता अभिषेक बनर्जी के पास बहुत ही जल्द ये मैसेज चला जाएगा। हम लोग चाह रहे हैं कि हर लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर इस बार हम लोग यहाँ का परिवर्तन करेंगे, क्योंकि यहाँ माइनॉरिटी चाहे आदिवासी सभी वंचित है, विकास से कुछ दूर है। इस बार जो 2024 का जो बजट पेश किया दीदी, माइनॉरिटी को चाहे आदिवासी को सबको ध्यान में रखते हुए
धरातल पर दिख रहा है। और यहाँ का बजट एक नगर बजट है, अभी तक माइनॉरिटी क्षेत्र के लिए माइनॉरिटी जिला है, फिर भी 4 साल हो गए सरकार में, अभी तक यहाँ माइनॉरिटी चेयरमैन का बोर्ड का गठन भी नहीं किया है। इसीलिए इसी तर्ज पर हम लोग माइनॉरिटी आदिवासी का जो दोहन हो रहा है, इसको दोहन से मुक्त करने के लिए टीएमसी एक पार्टी है, निश्चित तौर पर यहाँ कैंडिडेट देंगे तो टीएमसी को बिजाई होगा। इस पर हम लोग कैंडिडेट दे रहे हैं। माँ पार्टी मनोज जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, 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 फिल्म टप्पो जिंदाबाद, जय।